हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा अपना होम टूर। आप इसे होम टूर समझ ले या रूम टूर समझ ले, क्योंकि हम जो है एमपी के एक शहर में किराए के मकान में रहते हैं। और ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक ही रूम है। तो चलिए उस रूम का ही टूर मैं आपको करवाता हूँ। और ये वो रूम है जिसमें कि मैं रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ में। ये किराए का रूम है। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आप ऊपर देख सकते हो, टांड पे भी ऐसे ही अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ पूरा। और ये इस तरफ टंगे हुए हैं हमारे कपड़े। और दूसरी तरफ देखें तो ये कुछ इस तरह का है। पीछे भी आप देख सकते हो, अधिक बारिश की वजह से दीवारों में भी सीलन आ चुकी है। ये थोड़ा सा किचन टाइप का है, यहाँ पर हम खाना वाना बनाते हैं और रसोई का सामान इसमें रखा रहता है। और अगर सोने की व्यवस्था देखें तो एक खटिया हमारे पास में ये, जिस पे कि आपने वीडियो में जो मेरी बेटी को देखा तनिष्का, वह इसके ऊपर सोती है। पर अभी वो गई है उसके मामा के घर पर, तो अभी ये फ्री है और हम सोते हैं ये नीचे। ये हमारा भैया सो रहा है, जयंत। तो हमारा अगर बेडरूम समझे तो ये नीचे ही है। इसको ये रात में बेडरूम बना लेते हैं हम। तो कुछ इस तरह का रूम है हमारा, ये 10x10 का समझ लीजिए आप। इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि यार शहरों में रहना और उसका किराया अफोर्ड करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने एक छोटा सा ही रूम ले रखा है, क्योंकि अभी क्या कि इनकम भी थोड़ी कम है। क्योंकि क्या पिछले 2 सालों से तो कोरोना क्राइसिस की वजह से काफ़ी परेशानियां चल रही है। तो इसलिए इसी तरह का रूम ले रखा है अभी। और इसके अलावा कोई साधन संसाधन यहाँ पर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया पूरा इस तरह से, हर एक एंगल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का रूम है ये। आई होप ये ब्लॉग और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ यार, अगर अच्छा लगता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मनोबल मिलेगा। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।